अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न दूसरे का तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर दिया हुआ है 4, ये है प्रथम पद, और डी बराबर दिया हुआ है -3, ये है सारवंतर। तो हमें प्रथम चार पद ज्ञात करना है समांतर श्रेणी के। तो यहाँ पर चूंकि समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है कुछ इस प्रकार का, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D कोमा ए प्लस 4D ए प्लस 5D ए प्लस 6D इस प्रकार बढ़ता जाता है, ये है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। तो यहाँ पर हमें प्रथम चार पद ज्ञात करना है, इसीलिए हमने ए ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D यहीं तक लिखा है, यही है चार पद। A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो A का मान है 4, तो ये है हमारा प्रथम पद। अब यहाँ पर मान रखेंगे A का मान है यहाँ पर 4, बीच में ये प्लस का चिन्ह लगाया, D का मान है -3। आगे सॉल्व करेंगे, 4 ये ज्यों का त्यों, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा माइनस, और ये 3 ज्यों के त्यों, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा हमारा ये दूसरा पद। अब यहाँ पर हम देखेंगे A का मान है यहाँ पर 4, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 ये ज्यों का त्यों, इंटू डी का मान है -3 बराबर। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 ये ज्यों का त्यों, प्लस के 2 का गुणा होगा माइनस के 3 में तो हो जाएगा -6, माइनस के 6 में से प्लस के 4 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे -2, तो ये आ गया हमारा तीसरा पद। अब हम यहाँ पर चौथा पद और निकालेंगे, तो यहाँ पर ए का मान है यहाँ पर 4, प्लस का चिन्ह लगाया, 3 ये ज्यों का त्यों, इंटू डी का मान है -3, तो यहाँ पर ये -3 रख दिया। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 ये ज्यों का त्यों, प्लस के 3 का गुणा माइनस के 3 में होगा तो हो जाएगा -9, माइनस के 9 में से प्लस के 4 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा -5, तो ये है हमारा A4, ये है हमारा चौथा आंसर। इस प्रकार आपको ये चारों पद 1, 2, 3 और 4 चारों पद निकाल लेना है। तो नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।